नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्केटिंग न्यूज के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रो ऐप के अंदर जो डेस्कटॉप से, आप चाहे लैपटॉप से करें, अपने कंप्यूटर से, इसके अंदर हमें फंड कैसे ऐड करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले। कौन से टाइप से आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, सिंपली आपको आपको डेस्कटॉप पे आ जाना है, चाहे आप लैपटॉप से करें या कंप्यूटर से। वेबसाइट पे ग्रो के आ जाएंगे, grow.in पे, वहाँ पे आपके सामने इस वाली पेज ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे लॉग इन वाली पेज ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, आप अपनी ईमेल एड्रेस वहाँ पे डाल के आप इजीली लॉग इन कर सकते हैं। जो भी आपकी मेल आईडी है आपने वहां पे इंटर कर देनी है। तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के और आपका ग्रो का पिन आपको आगे पूछेगा, वो डाल के आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। जैसे आप लॉग इन कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, सिंपली हम ग्रो के अंदर हो या चाहे कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जहाँ से हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इक्विटीज के अंदर, चाहे आपका पर्पस ट्रेडिंग का हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों, हमने ग्रो के ऊपर बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे बना रखी है। आप बिल्कुल बिगनर्स है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी वीडियोज के लिंक है ग्रो का। आप जो भी ट्यूटोरियल है उसके वीडियोज आप देख सकते हैं, आपको उससे काफी अच्छा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहेंगे दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमने हमारे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट के ऊपर और म्यूचुअल फंड के ऊपर, डीमैट्स अकाउंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो सिंपली दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमें चाहे जो भी आपका पर्पज हो, ट्रेडिंग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, या आपको इसके अंदर फंड ऐड करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन के बाजू में वॉलेट वाला सिंबल दिख रहा है। आपको फंड ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट मनी वाला ऑप्शन दिख रहा है। चाहे आप 100 रुपीज मिनिमम से आप जितना चाहे यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपीज यहाँ पे है, जहाँ से मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, चाहे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में SIP कर सकता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, हम यहाँ पे अभी डिपॉजिट मनी वाला ऑप्शन चुनने वाले हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे अभी 6,000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे। आप अपनी मर्जी से चाहे जो भी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिपॉजिट मनी पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप डिपॉजिट मनी पे क्लिक कर देते हैं, आपके मैं क्योंकि ये UPI से कर रहा हूँ, फोन पे मेरे मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप पे करना चाहते हैं, ऐसे आपके फोन पे के अलर्ट के अंदर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको पे वाला ऑप्शन दबा देना है। तो जैसे आप पे वाला ऑप्शन अपने मोबाइल से दबा देते हैं दोस्तों, आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी अपने मोबाइल फोन से पे कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ से मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने लाइव यहाँ पे पेमेंट अपडेट हो गई है। 6,100 रुपीज मेरी पेमेंट यहाँ पे जमा हो गई। दोस्तों, सिंपली इसी तरीके से आप इजीली अपने, चाहे वो गूगल हो, फोन पे हो, आपके पास यहाँ पे मोर ऑप्शंस दिख रहे हैं दोस्तों। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं, जो भी चाहे आप इजीली यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे अपना फंड ऐड करके आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।